हेलो एवरीवन, अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला था निसंतानता यानी बांझपन। फीमेल्स के इनफर्टिलिटी की कंडीशंस के ऊपर मैं डिस्कशन कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने यही सारा डिस्कस किया और कुछ कारण भी बताए थे। उसमें एक कॉज था फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगी। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने जा रही हूँ निसंतानता बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के बारे में। ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, पर अभी मैं डिस्कशन कर रही हूँ फीमेल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने फीमेल्स की इनफर्टिलिटी के बारे में डिटेल में बात करी थी, जिसमें कुछ कॉजेज बताए थे। एक कॉज था फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज होना। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स पर डिटेल में बात करूँगी। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है, ये कैसे ब्लॉक हो जाती है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह हेल्पफुल है, इस सभी टॉपिक्स पे इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको ट्यूबल ब्लॉकेज भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं, सेल्पिंगस भी कहते हैं। 40 से 45% फीमेल इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। जो बेबी प्लान करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। और जब हम उनके इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में आता है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। ये फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, यहाँ आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि फेलोपियन ट्यूब एक 10 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये दोनों तरफ ओवरीज यानी राइट साइड की ओवरीज और लेफ्ट साइड की ओवरीज, दोनों ही ओवरीज से कनेक्ट रहती है और उसके बाद ये यूट्रस से कनेक्ट हो जाती है। ये फेलोपियन ट्यूब होती है। बेसिकली होता क्या है, मीनार की एज यानी 11-12 साल की एज में जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं किसी भी लड़की के, तो ये ऑर्गन है, ये धीरे धीरे अपना पूरा एक ग्रोथ या पूरा प्रोसेस इसका शुरू हो जाता है। बॉडी का एक सिस्टम मेंटेन होने लगता है। जब एक 10 to 12 ईयर्स गर्ल का पीरियड स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये एक प्रोसेस चलता रहता है हर मंथ का। और टीनेज आती है, टीनेज के बाद उसकी मैरिज की एज हो जाती है। और जब वो एक मेल के कांटेक्ट में आती है तो स्पर्म रिलीज होते हैं, मेल के स्पर्म यूट्रस में एंटर होते हैं। वही ये जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ से ओवरी से एग रिलीज होते हैं, ओवम जिसको कहते हैं, ये एग रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। वहीं स्पर्म, जो मेल स्पर्म है, वो भी यूट्रस के अंदर एंटर होते हैं और फेलोपियन ट्यूब से होते हुए एक एम्पुला नाम का एक जगह हो जाती है, जो फेलोपियन ट्यूब में एक जगह होती है, वहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं और ओवम फर्टिलाइज होता है। इस जहाँ पे ये फर्टिलाइज हो रहा है, ओवम यानी कि जो एग है ओवरीज से जो रिलीज हुए हैं वो, और मेल स्पर्म जब जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं उसको एम्पुला कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का। जब वो एग फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी का प्रोसेस आगे बढ़ता है। जब फीमेल्स में एग रिलीज हुआ और स्पर्म से कांटेक्ट में आया तो फेलोपियन ट्यूब में ही जायगोट्स बनते हैं। ये 5-6 दिन वहीं रहते हैं, यानी कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है दोनों के कांटेक्ट में आने से, तो जायगोट्स बनते हैं जो 5 से 10, 10 से 20, इस तरह से दुगनी गति से ये बढ़ते हैं, या 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये डबल इनका ये कह सकते हैं कि सेल्स दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ट्यूब का जो है हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, फीमेल्स का हेल्दी होना जिसको कह सकते हैं, हम कहते हैं फीमेल्स का हेल्दी होना ज़रूरी है, बट बेसिकली यूट्रस का फंक्शन एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वहीं फेलोपियन ट्यूब का बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी की जो कंडीशन आती है उसमें, और इसका ट्यूब का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो जायगोट्स बनते हैं उसके बाद ये एग जो है फर्टिलाइज जो एग हुए हैं ये धीरे धीरे रिलीज होकर यूट्रस तक आते हैं और वहाँ पे प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है। 9 मंथ का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे बेबी ग्रो होता है। और एक कंडीशन आप देख सकते हैं, जब हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ पे धीरे धीरे सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड में धीरे धीरे हम पता लगाते हैं कि अब बेबी का ग्रोथ
कितना क्या हो चुका है, जिसके लिए मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो बना चुकी हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों के ही मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि हर ट्राइमेस्टर में बेबी कितना कितना ग्रो हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है पूरा प्रेगनेंसी का, और आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फेलोपियन ट्यूब का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक प्रेगनेंसी में। और अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, निसंतानता की कंडीशन या इनफर्टिलिटी की कंडीशन है, तो वो किस तरह से क्यों हो रही है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो एग रिलीज नहीं होगा, वो उस ब्लॉकेज में ही अटक जाएगा। वहीं मेल स्पर्म भी उस एग से कांटेक्ट में नहीं आएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है। वहीं अगर एग फर्टिलाइज हो गया और फेलोपियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, ये बहुत ही डेंजरस हो जाती है। जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो फर्स्ट प्राइमरी जो कंडीशन होती है, फर्स्ट स्टेज जो होता है प्रेगनेंसी का, उसी में अल्ट्रासाउंड करा के देख लिया जाता है कि प्रेगनेंसी कहाँ इम्प्लांट हुई है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे तुरंत सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो फिलोपियन ट्यूब का ये भी एक बहुत रिस्की फैक्टर कह सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। इसीलिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अल्ट्रासाउंड कराकर चेक कर लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी कहाँ इम्प्लांट हो रही है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे बेबी ग्रो हो रहा है, ये सारी ही चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो ये दो ट्यूब्स हैं, राइट साइडेड ओवेरियन से कनेक्टेड है और लेफ्ट साइडेड ओवरी से कनेक्टेड है। अब कौन सी ट्यूब ब्लॉकेज है ये भी देखा जाता है, राइट साइडेड ब्लॉक है या लेफ्ट साइडेड। अगर एक ब्लॉकेज है तो एक से भी प्रेगनेंसी हो जाती है, पर अगर दोनों ही ब्लॉकेज हैं तो यहाँ इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा कंडीशन, एकदम 100% कंडीशन यही रहती है कि इनफर्टिलिटी ट्यूब के ब्लॉकेज की वजह से ही हो रही है। और ये जो ब्लॉकेज है ये कितनी तरह के होते हैं इसके बारे में भी मैं जानकारी दे देती हूँ। प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज होता है, इमीडिएट ब्लॉकेज होता है और डिस्टल ब्लॉकेज होता है। अब ये क्या क्या होते हैं, आप नाम से तो आप समझ ही रहे होंगे। जहाँ मैंने कहा प्रॉक्सिमल, ये यूट्रस से बिल्कुल पास में है, मीडियट ब्लॉकेज यानी मिडिल में है, डिस्टल यानी बिल्कुल एंड में है। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगी कि जब ये इतना इतना ब्लॉकेज हम देख रहे हैं, तीन, आपने देखा कि तीन कंडीशन में ब्लॉकेज हम बता रहे हैं, तो ये किस किस तरह के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज के अंदर PID की कंडीशन हो सकती है, DNC हो सकता है, बार बार अगर अबॉर्शन करवा रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सर्जरी हुई है जिसकी वजह से आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कनेक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो भी ये ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है। मीडिएट रीजन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको PID कहते हैं, या बहुत कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, बार बार सर्जरी की कंडीशंस आ रही हैं, या आप चाह ही नहीं रहे प्रेगनेंसी होना, अगर बार बार प्रेगनेंसी हो रही है तो आप अबॉर्शंस करवा रहे हैं या बार बार मिस कैरेज हो रहे हैं, तो भी इसके रीजंस हो सकते हैं। इन डिस्टल ब्लॉकेज या सीलिया ब्लॉकेज भी कहते हैं इसको, इसके अंदर एक पावर होती है, इसमें सकिंग पावर होती है, जो स्पर्म को सक करके यानी कैच करने की पावर, जो ओवरीज में से जो एग रिलीज हो रहे हैं उनको तुरंत कॉन्टैक्ट में लाकर फर्टिलाइज करता है। पर वहीं अगर ये ब्लॉकेज हो जाता है तो इसकी जो सकिंग पावर या कैच करने की जो पावर होती है वो नहीं रह पाती है, तो ये वाली कंडीशन में डिस्टल या सीलिया ब्लॉकेज हो सकता है। तो आपको समझ आया होगा ये अलग अलग ब्लॉकेज की स्टेजेस हैं, डिस्टल यानी बिल्कुल एंड में, प्रॉक्सिमल यानी बिल्कुल शुरुआत यानी यूट्रस के स्टार्टिंग में, और मीडिएट यानी मिडिल में। अब बात करती हूँ कि ब्लॉकेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हो सकता है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, तो बात करते हैं कारण की। क्यों, तो पहला रीज़न है PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। बार बार फीमेल्स को यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, ल्यूकोरिया की कंडीशन हो रही है, या उनको लोअर एब्डोमिनल पेन से लेकर बैकेक तक बना ही रहता है, फीमेल्स को हर वक्त वेजाइनल डिस्चार्ज होते रहते हैं, यूरिन जाने में भी उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग जैसे सेंसेशन होती है, तो हम समझ सकते हैं कि PID की कंडीशन हो रही है, या फीमेल्स को डिस्मेनोरिया की कंडीशन यानी कि पेनफुल मेंसेस हो रहे हों, तो PID, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो PID की कंडीशन दिख जाती है, जो कि आगे जाके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, गोनोरियल कंडीशंस हो सकती है, कैनेडियल कंडीशन हो सकती है, और इसमें भी फीमेल्स में बार बार इन्फेक्शन की कंडीशंस बनी रहती हैं, फीमेल्स में एबनॉर्मल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन हमेशा बना ही रहता है, पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं, बार बार DNC करवा रहे हैं, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो ये सारे ही कॉजेस फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आगे जाके कर सकते हैं।
तो ये छोटे छोटे जो रीजंस होते हैं इनको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो पहले से ही सारे इन्वेस्टिगेशन करवा के हेल्थ अवेयरनेस के लिए ही आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें। डॉक्टर्स जो भी आपको एडवाइस करता है, डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें तो हेल्दी बेबी होगा और प्रेगनेंसी भी फटाफट आप कंसीव कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ भी इनिशियल कॉज भी हो सकते हैं, सबका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल कॉज भी हो सकता है। हो सकता है इनमें से कोई कारण ना हो, कुछ अलग ही कॉज हो, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करें। जो भी कॉज होगा होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो अब बात करती हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो इस इनफर्टिलिटी की कंडीशन में मैंने काफ़ी सारे लोगों को दिए हैं मेडिसिन और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो चलिए डिस्कशन करती हूँ इस मेडिसिन के बारे में कि ये क्या क्या है। होम्योपैथी मेडिसिन में पल्सिटिला 30 और सिमिसिफ्यूगा 30 चार चार बूंद एक चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी है। सिम्टम्स में डिसमेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस हो सकते हैं। फीमेल्स बहुत इमोशनल होती हैं नेचर वाइज, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। और इसमें स्कैंटी मेंसेस होते हैं यानी कि पीरियड्स बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर होते हैं या बिल्कुल कम कम पीरियड्स होते हैं। तो इस कंडीशन में पल्सिटिला और सिमसिफ्यूगा 30 पोटेंसी में दे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साइलेशिया 6x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार जीप पे रख के चूसनी है। इसको होम्योपैथी में सर्जिकल नाइफ भी कहते हैं। कहीं भी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कैल्केरिया फ्लोर भी इसी कंडीशन में दी जाती है जहाँ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो। कैल्केरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार देनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और अब म्यूनेट और ओवा टेस्टर 3x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार जीप पे रख के चूसनी है। इनफर्टिलिटी के कंडीशन हो या यूट्रस के सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं, यूट्रस से रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो रही है, तो दोनों ही मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ऑरम्यूनेट और ओवाटोस्टा यूट्रस से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड सारे ही फंक्शंस को नॉर्मल करती है, रेगुलेशन में लाती है। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लॉकेज हो रहा हो या फाइब्रॉइड सिस्ट हो, उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लैकेसिस मेडिसिन, लैकेसिस 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, चार चार ड्रॉप्स में 3 बार एक चम्मच पानी में। अगर लेफ्ट साइड ओवरी ब्लॉकेज है तो इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं, पर वैसे दोनों ही ब्लॉकेज हों ट्यूब्स तो भी इसके रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। लैकेसिस 30 पोटेंसी में 4-4 ड्रॉप्स इनमें 3 बार जरूर ले, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। यूपियोनम 30 पोटेंसी में अगर येलो कलर का ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज जो है वो येलो और थिक डिस्चार्ज है तो ये मेडिसिन दें। इसको भी 4-4 ड्रॉप्स इनमें 3 बार एक चम्मच पानी में देनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। जो भी कॉजेज मैंने बताए हैं उनमें से एक कॉज फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आपको समझ आया होगा। होप कि आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिस किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उन्हें इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। वीडियो को शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी है या और भी किसी बीमारी से जुड़ी हुई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी शेयर किए हैं और वीडियो के फर्स्ट में और वीडियो के लास्ट में भी मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हुए हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।